नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार झांगड़ और आप देख रहे हैं हेल्प हिंदी। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप पीएमजी दिशा चला रहे हैं तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं इसे बुरी खबर कहूं या अच्छी खबर कहूं। आप ये डिसाइड कर लीजिएगा ये अच्छी खबर है बुरी है, क्योंकि पीएमजी दिशा में कुछ अपडेशन हुए हैं। आपको पता है 22 और 23 को जो पोर्टल बंद रहा था, इसके बाद कुछ अपडेशन हुए, कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, न्यू गाइडलाइंस आई हैं। तो क्या है वो गाइडलाइंस, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कैसे आपको अब पीएमजी दिशा थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा चलाना अगर आप पीएमजी दिशा चला रहे हैं। दोस्तों, अभी तक क्या था, हम बात करें अगर पीएमजी दिशा का, तो अभी तक कोई ये ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि सपोज दैट आपने 1 तारीख को स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया, 1 जुलाई को, ठीक है, तो आप इसके बाद कभी भी एग्ज़ाम करा पा रहे थे। ऐसा नहीं कि केवल 30 दिनों के अंदर ही एग्ज़ाम वो कराना था, 1 मंथ के अंदर ही एग्ज़ाम कराना था। बट अब ऐसा रिस्ट्रिक्शन हो गया है दोस्तों कि अगर आप किसी स्टूडेंट का एडमिशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसको विद इन अ 30 डे आपको एग्ज़ाम कंप्लीट कराना है। ये रिस्ट्रिक्शन हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं जाके अपने डैशबोर्ड पर, जो कि पीएमजी दिशा का डैशबोर्ड है, यहाँ लिख कर आ रहा, स्टूडेंट कैन टेक एग्ज़ाम विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, आफ्टर दैट हिज आर हर एक्सेस टू द एग्ज़ाम पोर्टल विल बी ब्लॉक्ड। अगर आपने 30 दिनों के अंदर उसका एग्ज़ाम नहीं कराया तो उनका जो पोर्टल है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन आपका ख़राब हो जाएगा। ये एक नया रिस्ट्रिक्शन आ गया है जो कि बहुत ही ख़राब ही समझेंगे हम लोग इसको, क्योंकि 30 दिन के अंदर स्टूडेंट हो सकता है बहुत सारे काम पड़ जाते हैं, 30 दिन के अंदर स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, तो ये एक नया रजिस्ट्रिक्शन लग गया है। तो इसको दोस्तों ध्यान में रखकर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और पीएमजी दिशा का काम करिएगा। तो लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करिएगा, थोड़े थोड़े रजिस्ट्रेशन करके, जब तक उनको ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट ना करा दी जाए, उनका एग्ज़ाम तब तक पूरा ना स्टूडेंट दे लें, इसके बाद ही आप नया रजिस्ट्रेशन करिएगा। तो इस खबर को ध्यान में रखकर आप रजिस्ट्रेशन करें, नहीं तो बहुत ही घाटा होने वाला है आपको। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों, ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को दबाएँ, सब्सक्राइब लिखा है, और मोबाइल पर देख रहे हैं वहाँ भी सब्सक्राइब लिखा है, घंटी भी, दोनों पर क्लिक करें ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।